सो रहे हैं। एक बार सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री सामान्य नित्यानंद जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे संगठन मंत्री हम सब के सम्मान्य नागेंद्र जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लिए नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले हमारे जनसंघ के सभी वरिष्ठ बंधुगण और मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य बनने के लिए आज सभी आए भाई और बहन, आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मतिथि है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ने भारत की एकता और अखंडता को लेकर के अपना बलिदान दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रही है, उसके सदस्यता अभियान के विस्तार का कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि कल देश के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई है, कल देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने बजट रखते हुए $5 ट्रिलियन के साथ भारत विश्व की महाशक्ति बने इसका दस्तावेज देश के सामने प्रस्तुत किया है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। देश एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए भारत में भारतीय जनता पार्टी का योगदान हो, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, उसके लिए आज सदस्यता अभियान को प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता अभियान को प्रारंभ करते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज एक नया संदेश दिया है। वो नया संदेश यह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बूथ पर सदस्यता अभियान का प्रारंभ करने जाएंगे, तो बूथ पर सदस्यता अभियान का प्रारंभ करते हुए हर बूथ पर 5-5 पेड़ भी लगा दें। ये धरती जो है, इस धरती को वापस से हरा भरा बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के साथ भी एक जुड़कर के पर्यावरण के प्रति चेतना के काम को भी करेंगे।